हमास अने इजरायल वच्चे लोहियाळ जंग चाली रही छे त्यारे वडाप्रधान मोदीए इजरायलना पीएम बेन्जामिन नेतन्याहू साथे फोन पर बातचीत करी छे। पीएम मोदीए ट्वीट करी आ विशे जाणकारी आपी छे। भारत आतंकवादना दरेक रूपनो विरोध करे छे। भारत आ समय इजरायलने साथे छे। फोन पर स्थितिनी माहिती आपवा बदल नेतन्याहूनो आभार व्यक्त करू छू। भारतना लोको आ मुश्किल समयमां इजरायलनी साथे छे। आ पहेला इजरायलना पूर्व वडाप्रधान अने वर्तमान विरोध पक्षना नेता यायर लेपिडे तेमना देश प्रत्ये समर्थन दर्शावा बदल भारतनो आभार व्यक्त कर्यो हतो। गाजा पर शासन करता पेलेस्टियन उग्रवादी जूथ हमासे इजरायलना दक्षिण क्षेत्र पर हुमलो कर्यो अने त्यारबाद इजरायले जवाबी कार्यवाहीमां गाजा पट्टी पर हवाई हुमला कर्या छे। तेलंगाणाना आदिलाबादमां जाहेर सभाने संबोधित करता केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहे जणाव्युं के प्रदेशना मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर रावे छेल्ला 10 वर्षमां तेमना पुत्रने मुख्यमंत्री केवी रीते बनाववामां आवे तेना पर काम कर्युं छे। ज्यारे वडाप्रधान मोदीनुं लक्ष्य आदिलाबाद सहित तेलंगाणाना तमाम लोकोने रोजगार शिक्षण उपलब्ध करावानुं छे। गरीब वर्गना लोकोने घर आपवुं ए मोदी सरकारनुं काम छे। केन्द्र सरकार खेडूतोना बैंक एकाउंटमां दर वर्षे 6000 रूपिया जमा करे छे। उन्होंने एक ही काम किया, 10 साल में केटीआर को मुख्यमंत्री कैसे बनाया जाए इसकी चिंता का काम किया है। ये जो मुख्यमंत्री है उनका एक ही लक्ष्य है, अपने बेटे केटीआर को मुख्यमंत्री बनाना। और हमारा लक्ष्य है आदिलाबाद के हर ट्राइबल जवान को नौकरी, शिक्षा और किसान के खेत में पानी पहुंचाना। मध्य प्रदेश में विधानसभा चूंटणीनी जाहेरात थतानी साथे ज प्रचार पण तेज थई गयो छे। कोंग्रेसना नेता राहुल गांधीए जणाव्युं के लालकृष्ण अडवाणीए तेमनी पुस्तकमां जणाव्युं छे के आरएसएस बीजेपीनी साची लेबोरेटरी गुजरात नहीं परंतु मध्यप्रदेश छे। मध्यप्रदेश में वधु खानगीकरण जोवा मळ्युं छे। राहुल गांधीए आदिवासीओने वनवासी कहेवाना बदले भाजपने आडे हाथ लीधा अने कह्युं के भाजप तेमने मात्र जंगलो सुधी सीमित राखवा मांगे छे। कोरोना काळ दरमियान मध्यप्रदेशना आदिवासीओने प्राणी पण न खाए तेवुं सड़ेलुं अनाज आपवामां आव्युं हतुं। कोंग्रेसना सांसदे कह्युं छे के आदिवासीओ जमीन अने जंगलोनो अधिकार मळवो जोईए एटला माटे कोंग्रेस पीएएसए कायदो लावी हती। अडवाणी जी ने अपनी किताब में लिखा था, उन्होंने किताब लिखी थी कि जो आरएसएस और बीजेपी की सच्ची लेबोरेटरी मतलब सच्चा कारखाना गुजरात में नहीं है मगर मध्य प्रदेश में है, ये उनका कहना था। मध्य प्रदेशना शहडोल में भ्रष्टाचार विषय आकरा प्रहार करता कांग्रेस नेता राहुल गांधीए जणाव्युं के भाजपनी लेबोरेटरी में मृत व्यक्तिओनी सारवार करी पैसानी चोरी करवामां आवे छे। देश में मध्य प्रदेश सिवाय अन्य कोई राज्य आवतुं नथी। मध्य प्रदेश में महाकाल कोरिडोर कौभांड, व्यापम घोटाळो, स्कूल यूनिफॉर्म, मिड डे मील कौभांड आनी साबिती आपे छे। प्रदेश में एमबीबीएसनी बैठकों वेचाई जाय छे। दरेक क्षेत्र में खानगीकरण अने कॉन्ट्राक्टनी पद्धति अमल में मुकवामां आवे छे। आ साथ ज प्रदेश में छेल्ला 18 वर्ष में कुल 18,000 खेडूतोए आत्महत्या करी छे। राहुल गांधीए कह्युं के मध्यप्रदेश में दररोज 3 खेडूतो आत्महत्या करे छे। राज्य में महिलाओ विरुद्ध अत्याचार में पण वधारो थयो छे। बीजेपी की लेबोरेटरी में मरे हुए लोगों का इलाज किया जाता है और उनका पैसा चोरी किया जाता है। हिंदुस्तान के किसी और प्रदेश में मरे हुए लोगों का इलाज नहीं होता है, मध्य प्रदेश में मरे हुए लोगों का इलाज होता है और पैसा चोरी किया जाता है। बीजेपी के लेबोरेटरी में 18 साल में 18,000 किसानों ने आत्महत्या की है। हर रोज 3 किसान बीजेपी की लेबोरेटरी में आत्महत्या कर डालते हैं।
राजस्थानना मुख्यमंत्री अशोक गहलोते जणाव्यु के हजू तो चूंटणी प्रक्रिया शुरू थई छे। 18 ऑक्टोबर ने आसपास कोंग्रेस पार्टी की चूंटणी समिति की बैठक योजाशे अने त्यार पछी ज राजस्थान विधानसभा की चूंटणी माटे उम्मीदवारना नाम नक्की थई शकशे। ज्यारे हूँ पण दिल्ली जाऊं छूं त्यारे कोंग्रेसना नेता सोनिया गांधी ने मळुं छूं। कारकिर्दी में सोनिया गांधीए तेमना पर विश्वास मूक्यो होवानुं गहलोते कबूल्यू। राजस्थान सरकार की कल्याणकारी योजनाओं लाभ गामडाना लोको सुधी पहोंचाडवानो प्रयास कर्यो छे। अमारी सरकारे लोकोने मोंघवारीमांथी राहत आपवानो प्रयास कर्यो। राजस्थान सरकारना गुड गवर्नंस ने कारणे लोको सरकारे रिपीट करशे तेवी अमने आशा छे। सत्ता परिवर्तन थी सरकार घणी योजनाओ अटकी पड़े छे। अभी तो प्रोसेस शुरू हुआ है और मैं समझता हूँ कि 18 तारीख आसपास उम्मीद करते हैं कि जब सीसी बैठक शुरू होगी तब भी बता पाएंगे आपको कि फाइनल कब होगा। गुड गवर्नेंस इतनी बड़ी है राजस्थान के अंदर, गुड गवर्नेंस के आधार पर हम पब्लिक से अपील करेंगे भाई अब हमें एक मौका और दो जिससे कि हम बता सकें आपको कि सरकार रिपीट करने के क्या फायदे हैं और सरकार रिपीट नहीं होती तो क्या नुकसान है, ये बताने का अवसर मिल जाएगा हम लोग। मध्य प्रदेश ना पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस ना अध्यक्ष कमलनाथे जणाव्यु के हवे जूठाणा नू मशीन बंद थवानो समय आवी गयो छे। मध्य प्रदेश ना लोको शिवराज सिंह नी सरकार ने विदाय आपशे। 18 वर्षना शासन में तेमणे मध्य प्रदेश ने एक भ्रष्ट राज्य बनावी दीधुं छे। राज्य में भ्रष्टाचार ने कारण दरेक वर्गना लोको त्रस्त अने दुखी छे। भाजप ने शिवराज सिंह पण आ वात जाणे छे के तेमणी पासे कहेवा माटे हवे कंई नथी। भाजप अकड़ाई गई छे अने ते माटे जे एंटी इनकम सीनी नथी तेवी वात करी रही छे। विधानसभा नी चूंटणी में प्रदेश नी प्रजा भाजपना सुपड़ा साफ करी नाखशे। अब समय आ गया है जब झूठ की मशीन और घोषणाओं की मशीन बंद होने जा रही है और मध्य प्रदेश की जनता विदा करेगी शिवराज सिंह जी को जिन्होंने 18 साल हमारा प्रदेश को एक चौपट प्रदेश बना दिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि मध्य प्रदेश की जनता त्रस्त है, हर वर्ग दुखी है और शिवराज सिंह जी को ये बात भी एहसास हो रही है, भारतीय जनता पार्टी को भी ये बात एहसास हो रही है। शिवराज सिंह बेचारे कहें क्या, वो तो नहीं कह सकते हम हार रहे हैं, सब घर बैठो। उत्तराखंड ना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीए जणाव्युं के घणा राज्य में चूंटणी प्रचार कर्यो छे अने तेना कारणे लागे छे के देशना लोको वडाप्रधान मोदीनी डबल एंजीन सरकार इच्छे छे। पीएम मोदीना नेतृत्वमां विश्व स्तरे भारतनी स्वीकारिता अने विश्वसनीयता वधी छे। G20 ना आयोजनना कारणे विश्वने भारतना सामर्थ्य अने तेनी संस्कृतिनी जाणकारी मळी छे। कोईपण घटनामां भारतना वलणने पण हवे महत्व आपवामां आवे छे। तमाम 5 राज्यमां भाजपनी जीत थशे। वडाप्रधान मोदी देशना विकास माटे काम करी रह्या छे अने परिणामे सरकारी योजनानो लाभ छेवाड़ाना लोको सुधी पहोंचशे। पीएम मोदी वर्ष 2047 सुधी देशने विकसित राष्ट्र बनावानुं विजन धरावे छे। निश्चित रूप से देश की जनता आज डबल इंजन की सरकार चाहती है और मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज देश दुनिया के अंदर भारत की स्वीकारता बढ़ी है, भारत के प्रति श्रद्धा बढ़ी है, विश्वास बढ़ा है और G20 के आयोजन के बाद पूरी दुनिया ने भारत के सामर्थ्य को देखा है, भारत की संस्कृति को देखा है, भारत की ताकत को देखा है। जिन राज्यों में चुनाव होने वहां की जनता ने भी मन बनाया है कि डबल इंजन की सरकार होगी, सब जगह भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और डबल इंजन होगा तो निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं उन राज्यों में भी नीचे तक वो विकास की योजनाएं पहुंचेंगी, विकास का काम पहुंचेगा और जो उनकी सोच है वो धरातल पर उतरेगी। कांग्रेसना नेता राहुल गांधीना अर्धी चूंटणी जीतवाना निवेदन पर प्रतिक्रिया आपता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जणाव्युं के वडाप्रधान मोदीना नेतृत्व अने विकासलक्षी कार्यों ने कारणे भाजप आखी चूंटणी जीती शके छे। भाजपना नेताए दावो कर्यो छे के तेमनी पार्टी 5 राज्यमां जीत मेळवी सरकार बनावशे। भाजप क्यारे पण चूंटणी माटे कोई खास तैयारी करती नथी परंतु हंमेशा संगठनना विस्तार गरीब कल्याण अने तमाम वर्गना लोको माटे काम करे छे। आ बाबतोना प्रभावने कारणे अमारी पार्टी चूंटणी जीते छे। भाजप सरकारे करेला कार्योने कारणे प्रजानो विश्वास मेळवामां सफळ थाय छे। कांग्रेस के नेता राहुल जी कह रहे हैं कि हम आधा चुनाव जीत गए और भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए काम के आधार पर, उनके नाम के आधार पर जो विकास की गंगा पूरे देश के साथ साथ उन 5 राज्यों में बह रही है
उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी पूरा का पूरा चुनाव जीत गई है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आधा चुनाव जीत गए, भारतीय जनता पार्टी तो पूरा का पूरा चुनाव जीत गई। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए कोई विशेष तैयारी नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी विचार संगठन के विस्तार के लिए हमेशा काम करती है। बिहार भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी लालू प्रसाद यादव ने प्रदेश की राजनीति में राजनीतिक कैंसर समान गणाव्या छे। नीतीश कुमार की पार्टी आ बात पुरवार करी छे। तेमनी सामे रेलवे और घोटाला में कार्यवाही करी हती। जो बिहार में भाजपा की सरकार बनशे तो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव नो राजनीतिक इलाज शुरू करवामां आवशे। कोई एक व्यक्ति नु नाम जणावे के जेने लालू प्रसाद यादव ना कार्यकाळ में अनामत नो लाभ मळ्यो होय। तेजस्वी यादवे आटलो विश्वास छे एटले मोटा भागना सरकारी विभाग तेओ पोतानी पासे राखे छे। लालू प्रसाद यादव मात्र भ्रष्टाचार माटे जाणीता छे। तेमणे हमेशा पोताना अंगत फायदा माटे सत्ता नो उपयोग कर्यो छे। कोई एक व्यक्ति यदि राजनीतिक कैंसर हो गए हैं तो उनका नाम है लालू प्रसाद जी, और जिसको स्वयं नीतीश कुमार जी ने, नीतीश कुमार जी की पार्टी ने लगातार ये प्रूव किया है, उनको चारा घोटाला में जेल भेजवाया, रेलवे के मामले में दौड़ आज कोर्ट की चक्कर काट रहे हैं, तो लालू प्रसाद जी को बिहार में राजनीतिक तौर पर कैंसर माना जाता है। इसका इलाज अब भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है। अब नीतीश और लालू दोनों का राजनीतिक इलाज शुरू होगा और बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बरकरार रहेगी। आम आदमी पार्टी ना सांसद राघव चड्डाए जणाव्युं के केंद्रीय तपास एजेंसीओ भाजप शासित राज्य में मौन अने बिन भाजप शासित राज्य में सक्रिय थई जाय छे। वर्ष 2024-2014 यूपीए सरकार ना कार्यकाळ में ईडीए मात्र 112 स्थळो पर दरोडा पाड्या हता, परंतु तेनी सामे वर्ष 2014-2023 दरमियान ईडीए 3100 वधु स्थळो पर दरोडा पाड्या छे। सीबीआई और ईडीए नोंधायेला 95 केस विपक्षी दल नेताओं विरुद्ध है। केन्द्रीय तपास एजेंसीओ आप पार्टी प्रत्ये विशेष प्रेम धरावे छे। तेओए अमारा घणा नेताओं ने खोटा केस में जेल में धकेली दीधा छे। विपक्षी इंडिया गठबंधन थी डरनार लोको आवुं कृत्य करावी रह्या छे। भाजप विरुद्ध अवाज उठावनार व्यक्तिओ विरुद्ध गुना दाखल करवामां आवे छे। भाजपा शासित राज्यों में एजेंसियां साइलेंट हैं और गैर भाजपा शासित राज्यों में एजेंसियां वायलेंट हैं। 2004 से लेकर 2014 के बीच जब यूपीए की सरकार थी, 10 सालों में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मात्र 112 जगह रेड करी, लेकिन 2014 से लेकर 2023 तक इन 9 सालों में इसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 3100 जगहों पर रेड करी। दिल्ली ने राहुल जेवनियो कोर्टे आम आदमी पार्टी ना राज्यसभा सांसद संजय सिंह ना 13 ऑक्टोबर सुधी रिमांड लंबावी दीधा छे। ईडीए 4 ऑक्टोबर ना रोज संजय सिंह ने दिल्ली लीकर पुलिस केस में मनी लॉन्ड्रिंग ना गुना हेठळ धरपकड़ करी। आ पछी कोर्टे तेमना 5 दिवस माटे रिमांड पर मुकल्या हता। संजय सिंह ना रिमांड पूरा थता तेमने कोर्ट में रजू करवामां आव्या हता, ज्यां कोर्टे तेमनी ईडी रिमांड लंबावी दीधी। एन्फोर्समेंट डिरेक्टरेट एटले के ईडीना निशाने आपना वधु एक नेता आव्या छे। दिल्लीना आपना धारासभ्य अमानुतुल्लाह खान ने वहेली सवारे ईडीए तेमना त्यां सर्च ऑपरेशन कर्यू। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दरोड़ा पाड़वामां आव्या छे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सप्टेम्बर 2022 में दिल्ली एसीबी की टीमें अमानुतुल्लाह खान की धरपकड़ करी हती। तेओ दिल्ली वक्फ बोर्डना अध्यक्ष पदे हता, ते समय नाणकीय घोटाळानो आक्षेप छे। भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरोए दिल्ली वक्फ बोर्डनी कामगीरीना नाणकीय गैररीति अने अन्य गैररीतिओने लगता केसमां अमानुतुल्लाह विरुद्ध एफआईआर दाखल करी हती। ईडीए एफआईआरना आधारे अमानुतुल्लाह विरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंगनी तपास शुरू करी छे। પાંચ રાજ્યમાં વિધાનસભા ચૂંટણી અને આવનારી લોકસભા ચૂંટણી પહેલા ઈડી એક્શનમાં આવી છે। એવામાં એનસીપીના અજીત પવાર જૂથ દ્વારા પક્ષના નામ અને પ્રતિકને લઈને કરવામાં આવેલ દાવા પર 9 ઓક્ટોબરના રોજ ચૂંટણી હાથ ધરવામાં આવી હતી।
આ દરમિયાન શરદ પવારની આગેવાની હેઠળ જૂથે દલીલ કરી હતી કે અજીત પવાર જૂથ દ્વારા રજૂ કરાયેલા દસ્તાવેજોમાં ઘણી ગેરરીતિઓ જોવા મળી હતી. જો કે ચૂંટણી પંચે હવે શરદ પવાર અને અજીત પવારની આગેવાની હેઠળના એનસીપી જૂથોને પક્ષના નામ અને ચૂંટણી ચિહ્ન પરના તેમના દાવા અંગે સુનાવણી કરવાની આગામી તારીખ 9 નવેમ્બર નક્કી કરી છે. મળતી માહિતી પ્રમાણે અજીત પવારે રજૂ કરેલા દસ્તાવેજોમાં 9000થી વધુ વિસંગતતા હોવાનો શરદ પવાર કેમ્પ દ્વારા દાવો કરવામાં આવ્યો છે. દિલ્હીમાં મની લોન્ડરિંગ કેસમાં આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય અમાનતુલ્લા ખાન સાથે સંકળાયેલી સ્થળો પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે. આ મામલે પ્રતિક્રિયા આપતા ઉદ્ધવ ઠાકરે શમુલી શિવસેનાના સાંસદ સંજય રાઉતે કહ્યું છે કે વર્ષ 2024ની ચૂંટણી સુધી વિપક્ષના નેતાઓ પર ઈડીના દરોડા પડતા રહેશે. મહારાષ્ટ્રમાં 10-12 લોકોના નામનું લિસ્ટ ઈડી પાસે છે. ઈડી પાસે અજીત પવાર અને એકનાથ શિંદેનો કેસ પણ હતો. ઘણા નેતા જેલ ભેગા થવાના હતા, પરંતુ હવે ઈડી તેમના ત્યાં જઈ રહી નથી. વિપક્ષી દળના નેતાઓ ત્યાં ઈડી સીબીઆઈ આરટીના દરોડા વધુ પડે તેવી શક્યતા છે. આમ આદમી પાર્ટીના સાંસદ સંજયસિંહની ધરપકડ બાદ હવે ઈડીએ આપના ધારાસભ્ય અમનતુલ્લા ખાન સાથે સંકળાયેલા પરિસરો પર દરોડા પાડ્યા છે. આમ આદમી પાર્ટીના સાંસદ સંજયસિંહની ધરપકડ અને ધારાસભ્ય અમનતુલ્લા ખાન સાથે સંકળાયેલા પરિસર પર ઈડીએ પાડેલા દરોડાના વિરોધમાં પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓએ દિલ્હી ભાજપ કાર્યાલય બહાર વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું. કાર્યકર્તાએ હાથમાં બેનર પકડી તપાસ એજન્સીઓ વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કર્યો. આ સાથે જ કટાક્ષમાં ઈડી સીબીઆઈ ભાઈ ભાઈના નારા પણ ઉચ્ચાર્યા હતા. કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ વધુ ન બગડે તે માટે ભારે સંખ્યામાં પોલીસ બળ તૈનાત કરવામાં આવ્યું હતું. આ ઘટના બાદ દિલ્હી પોલીસે આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તાની અટકાયત કરી. આ વિશે વાત કરતા આ પાર્ટીના કાર્યકર્તાએ જણાવ્યું કે દેશમાં બંધારણ અને લોકતંત્રની હત્યા થઈ રહી છે. જિસ તરીકે સે ભારતીય જનતા પાર્ટી કી પોલીસ इधर देखिए हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठी मार रही है. जिस तरीके से गुंडागर्दी पर आमादा है, मुझे लगता है कि लोकतंत्र की हत्या है. आज ये लोग शांतिपूर्वक तरीके से भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की तरफ जा रहे थे अपनी बात को रखने के लिए. ये दिल्ली के लोग हैं, इन लोगों के ऊपर पुलिस नाजायज तरीके से लाठी मार रही है. आज इस देश के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से कोई अपनी बात नहीं रख सकता, लोकतांत्रिक तरीके से अपने सवाल नहीं पूछ सकता. मुझे लगता है तानाशाही की पराकाष्ठा है, ये संविधान की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है. દિલ્હી ભાજપના કાર્યકર્તા અને નેતાઓએ દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અને આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલ વિરુદ્ધ વિરોધ પ્રદર્શિત કર્યો. ભાજપના કાર્યકર્તાએ આરોપ લગાવ્યો છે કે આપ સરકાર ભ્રષ્ટાચારીઓની સરકાર છે. સીએમ અરવિંદ કેજરીવાલના રાજીનામાની પણ તેઓએ માંગ કરી. ભાજપના કાર્યકર્તાએ હાથમાં પોસ્ટર બેનર્સ લઈને આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો. દિલ્હી ભાજપના અધ્યક્ષ વીરેન્દ્ર સચદેવે જણાવ્યું કે દિલ્હીના લોકો આમ આદમી પાર્ટીએ કરેલા ભ્રષ્ટાચારને કારણે તેમાંથી મુક્તિ ઈચ્છે છે. હકીકતમાં તો દિલ્હીના લોકોને લૂંટવામાં આવી રહ્યા છે. વિરોધ પક્ષના નેતા તરીકે મારી ફરજ છે કે હું લોકોને આ મુદ્દે જાગૃત કરું. બિલકુલ સહી કહે રહી હૈ આપ. ઇસી સે તો હમ કહે રહે હૈ કે ભાજપા કી બાત સત્ય હો રહી હૈ. આમ આદમી પાર્ટી કે લીડર્સ એક કે બાદ એક એક્સપોઝ હોતે જા રહે હૈ. ઉનકે કુકર્મ જો હૈ ઉભર ઉભર કર આ રહે હૈ. ઓર ઇસીલિયે હમ પ્રાર્થના કર રહે હૈ કે દિલ્હી કી જનતા કો જલ્દી ઇસ ભ્રષ્ટ સરકાર સે મુક્તિ મિલે ઓર આમ આદમી પાર્ટી કે લીડર્સ કો સદબુદ્ધિ દે ભગવાન. દિલ્હી હાઈકોર્ટ કહે રહા હૈ, મેં નહીં કહે રહી, દિલ્હી હાઈકોર્ટ કહે રહા હૈ કે 90 સે 100 કરોડ રૂપે કી કિકબેક્સ इस शराब घोटाले में ली गई हैं. જમ્મુ કાશ્મીરમાં સુરક્ષા દળના જવાનો દ્વારા આતંકીઓનો ખાતમો બોલાવવામાં આવી રહ્યો છે. ત્યારે શોપિયામાં સુરક્ષા દળના જવાનોએ બે આતંકવાદીઓને ઠાર માર્યા છે. શોપિયાના અલીશોપોરાના જંગલોમાં સુરક્ષા બળના જવાનો દ્વારા સર્ચ ઓપરેશન ચલાવવામાં આવ્યું, જેમાં સેના અને પોલીસના જોઈન્ટ ઓપરેશન દરમિયાન આતંકવાદીઓનો ખાતમો બોલાવવામાં આવ્યો છે. આ અગાઉ પણ 4 ઓક્ટોબરે પણ સુરક્ષા દળના જવાનોએ બે આતંકવાદીઓને ઠાર માર્યા હતા. તે આતંકવાદીઓ કુલ ગામના રહેવાસી હતા. મહારાષ્ટ્ર નવનિર્માણ સેના પાર્ટીના પ્રમુખ રાજ ઠાકરેએ ટોલ ટેક્સ સિસ્ટમ નાબૂદ કરવાની માંગ કરી છે. જો એવું નહીં કરવામાં આવે તો ટોલ બુથ સળગાવી દેવાની પણ ધમકી આપવામાં આવી છે. સરકાર સામે મોરચો શરૂ કરવાની મનસાએ નેતાએ કહ્યું છે કે બહુ જલ્દી તેમની પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ તમામ ટોલ બુથ પર જશે અને નાના વાહનો પાસેથી ટોલ ટેક્સ વસૂલાતો અટકાવાશે.
રાજ ઠાકરેએ ધમકી આપતા કહ્યું છે કે હું થોડા દિવસોમાં આ મુદ્દા પર સીએમ એકનાથ શિંદે સાથે પણ ચર્ચા કરીશ. આપણે પહેલાથી જ રોડ ટેક્સ ભરીએ છીએ તો પછી ટોલ ટેક્સ શા માટે ભરવો જોઈએ? આ ટોલ બુથમાંથી વસૂલવામાં આવતી જંગી ટોલની આવક ખરેખર ક્યાં જાય છે? આટલો ટોલ ટેક્સ અને રોડ ટેક્સ લેવા છતાં રોડ રસ્તાઓ અને હાઈવેની સ્થિતિમાં કોઈ સુધાર થયો નથી. ભારતની સૌથી ધનવાન વ્યક્તિની યાદીમાં રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડના ચેરમેન મુકેશ અંબાણીએ બાજી મારી છે. અંબાણીએ અદાણી ગ્રુપના ચેરમેન ગૌતમ અદાણીને પાછળ છોડી મુકેશ અંબાણી દેશના સૌથી અમીર વ્યક્તિ બની ગયા છે. 360 વન વેલ્થ હુરૂન ઇન્ડિયા રીચ લિસ્ટ 2023ની યાદીમાં ભારતના સૌથી ધનવાન વ્યક્તિઓની યાદીમાં મુકેશ અંબાણી નંબર 1 પર આવી ગયા છે, જ્યારે ગૌતમ અદાણી બીજા ક્રમે આવી ગયા છે. યાદી મુજબ ગૌતમ અદાણીની સંપત્તિ મુકેશ અંબાણીથી ઘણી ઊંચી છે, કારણ કે જાન્યુઆરીમાં હિન્ડનબર્ગ રિસર્ચના રિપોર્ટને કારણે અદાણી ગ્રુપની નેટવર્થમાં ધરખમ ઘટાડો થયો. રિપોર્ટના જણાવ્યા અનુસાર મુકેશ અંબાણીની સંપત્તિ 2014માં 1,65,100 કરોડ રૂપિયાથી વધીને 2023માં લગભગ 8,08,700 કરોડ રૂપિયા થઈ ગઈ હતી, જેમાં 4 ગણો વધારો જોવા મળ્યો. જ્યારે ગૌતમ અદાણીની 4,74,800 કરોડની સંપત્તિ સાથે બીજા સ્થાને આવી ગયા છે. સીરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયાના સંસ્થાપક સાયરસ એસ પુનાવાલા ભારતના ત્રીજા નંબરના સૌથી અમીર વ્યક્તિ છે અને તેમની સંપત્તિ 2,78,500 કરોડ રૂપિયા છે.